प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट्स के बारे में। कल हमने बात की थी कार्बिन के बारे में। आज हम एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेंजाइन के बारे में बात करेंगे। हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। एरोमेटिक यौगिक जिनमें त्रिआबंध होता है एराइन्स कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक जिनमें त्रिआबंध होता है एराइन्स कहलाते हैं। इसका एक विख्यात एग्जांपल बेंजाइन है। बेंजाइन में एक बेंजीन वाले में एक सीसी त्रिआबंध होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर से हम देख पाएंगे। दैट्स बेंजाइन। गणितीय रूप से बेंजाइन डबल बॉन्ड बेंजीन 2H, अतः इसे वी हाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। डी हाइड्रो बेंजीन भी कहते हैं। बेंजीन का त्रिबंध बहुत ही तनाव युक्त होता है, क्योंकि यह बेंजीन वलेट की षटकोणीय ज्यामिति हेक्सागोनल ज्योमेट्री के कारण रेखीय रूप प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए इसकी संरचना को हम एक डिस्टोर्टेड एसिटिलीन मान सकते हैं, जिसमें नया पाई बंद दो निकटवर्ती sp2 कक्षकों के साइड वेव ओवरलैप से बनता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। यह है एसिटिलीन में साधारण त्रिआबंध। ये हमने बात की है एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड, जो कि लीनियर स्ट्रक्चर के रूप में होता है। यदि हम बेंजाइन की बात करें तो बेंजाइन में इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है। और यहां से ओवरलैपिंग से एक नया न्यू पाई बॉन्ड जनरेट होता है, जिसमें ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, लो होती है। और ये एरोमेटिक पाई बॉन्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं। प्रॉपर ओवरलैपिंग ना होने के कारण इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होता है, ना कि sp3। बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि बेंजाइन के अंदर जो स्टार्ट कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही है, ना कि sp3, क्योंकि ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन की। एरिल हैलाइडों पर बेस की अभिक्रिया से भी बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट फ्रॉम एरिल हैलाइड। अगर हम बात करें एरिल हैलाइड की, तो इसको कुछ खोल के लिखते हैं हम, और बेस कोई भी बेस ले सकते हैं, नॉर्मली एमाइड लिया जाता है। इस एच को एब्स्ट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रिमूव होता है और ब्रोमाइड आयन रिलीज हो जाता है और यहां ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, अमीन और ब्रोमाइड आयन। ये जो इंटरमीडिएट बना, ये बेंजाइन है जो हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद एंथ्रेनिलिक अम्ल के तापीय अपघटन से, फ्रॉम एंथ्रेनिलिक एसिड, जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें नाइट्रस एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है,
तो डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम थर्मली जब ट्रीट करते हैं तो बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, सॉरी नाइट्रोजन। आगे हम बात करेंगे बेंजाइन्स की रिएक्शन। बेंजाइन्स की जो रिएक्शन होती है बहुत तेजी के साथ संपन्न होती है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्शन ऑफ बेंजाइन बाई फेनिलीन में डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन इन बाई फेनिल। बेंजाइन के दो अणु आपस में जुड़कर बाइफेनिलीन बनाते हैं। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जब हम बेंजाइन इंटरमीडिएट की किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। वाटर का कराते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रकार जब हम NH2 नेगेटिव का योग कराते हैं तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार हमने देखा बेंजाइन इंटरमीडिएट्स के बारे में। अब हम एक दूसरे प्रकार के इंटरमीडिएट्स नाइट्रीन की बात करते हैं। नाइट्रीन्स यह उदासीन स्पीशीज जिसमें केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर एक सिग्मा बंद तथा दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो नाइट्रीन कहलाती है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कुल 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून होती है। यह इलेक्ट्रोफाइल की भांति बिहेव करती है। तो नाइट्रीन इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीशीज है और इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रीन में दो प्रकार की पाई जाती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, जैसे कि कार्बन पाई जाती है। इसमें ट्रिपलेट स्टेबल होती है, वह यह ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जबकि सिंगलेट अनस्टेबल होती है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है एजोइड को गर्म करना। जब हम एजोइड को हीट करते हैं तो नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन डाइमेराइजेशन, द्विलेखीकरण। एरिल नाइट्रेन बहुत तेजी से
डाइमराइज होकर डाई एजो यौगिक का फॉर्मेशन करती है। फॉर एग्जाम्पल डाइमराइजेशन होकर एजोइड फॉर्मेशन करती है डाई एजो बेंजीन। एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसके अंदर नाइट्रिन का फॉर्मेशन होता है वो है हाफ मार्क हाइपरब्रोमामाइड रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है कि हाफ मार्क हाइपरब्रोमाइड रिएक्शन से उसके अंदर बनने वाला इंटरमीडिएट का प्रकार है। हाफ मार्क हाइपरब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत सारी अभिक्रियाएं जिसके अंदर इंटरमीडिएट्स का निर्माण होता है उसमें एक फेमस अभिक्रिया है हाफ मान हाइपोब्रोमाइड। इसमें जब हम किसी अमाइड का एक कम कार्बन युक्त प्राथमिक एमीन में परिवर्तन कर सकते हैं, अतः यह अभिक्रिया द्वारा श्रृंखला का अवरोहण होता है। जब हम किसी एमाइड का ब्रोमीन और क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस होता है जिसमें कार्बन की संख्या लिए गए एमाइड से एक कम होती है। अगर हम इसकी क्रियाविधि देखें CH3CONH2 प्लस ब्रोमीन के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो CONHBr प्लस HBr। निकलता है फिर CH3CONHBr की रिएक्शन में से HBr रिलीज होता है तो CH3CON एसिटिल नाइट्रिन का फॉर्मेशन होता है। ये नाइट्रिन का एक प्रकार है। फिर ये एसिटिल नाइट्रिन रीअरेंज होकर आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करता है। CH3Cl मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करता है। फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है बेस की प्रेजेंस में और प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार हमने आज दो इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा जिसमें एक था बेंजाइन और दूसरा था नाइट्रिन। अब हम आगे की लेक्चर में फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।